स्टडी सीकर्स, मेरा नाम है सुभान। जैसे कि ना हम कंप्यूटर कोर्स की स्टडी कर रहे हैं, सो कंप्यूटर कोर्स से हट के मैं कुछ 2-3 लेक्चर बना रहा हूँ जो कि ना आने वाले सीरीज के अंदर CS301 और CS201 जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको काम आएगा। और इवन कि अगर आप नहीं भी विश्व यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे तो आपको ना नॉर्मली प्रोग्रामिंग करते हुए काफ़ी चीज़ें ना कॉन्सेप्चुअल आपको पता होनी चाहिए। सो उसमें ना सबसे जो बेसिक चीज़ होती है वो जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं C++ वगैरह यहाँ पर भी आप करेंगे, मेमोरी की बात होती है। मेमोरी के ऊपर हमने एक 2 लेक्चर बना लिए हैं, पहले तो कंप्यूटर की वर्किंग, फिर रैम के बारे में। अब बात आती है जी उसके अंदर मेमोरी के अंदर ना हमें 2-3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है और वहाँ पर जाकर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है अरेज और पॉइंटर्स की तरफ। यानी जब हम अरेज और पॉइंटर्स की बात करते हैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ना डाउटफुल हो जाते हैं कि क्या ना क्या चाह रहे हैं, यानी कि क्या मीनिंग है अरेज या पॉइंटर्स का। सो उससे पहले ना मैं कुछ चीज़ें अलग से ना डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमारी आई थी डाटा क्या है। सो डाटा के बारे में कंप्यूटर बेसिक कोर्स के फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से बता चुका हूँ कि तमाम किस्म का रॉ मटेरियल जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो डाटा कहलाता है और उसके ऊपर प्रोसेस करने के बाद वो हमें वापसी पर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देता है जो बेसिकली एक अदर फॉर्म ऑफ प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा ही होती है। सो ये दोनों चीज़ें कंप्यूटर में स्टोर होती हैं। आप डाटा कई सारे मीडियम के थ्रू देते हैं, कीबोर्ड से डाटा, वर्डिंग वगैरह, कैमरा से डाटा पिक्स वगैरह दी जाती हैं, इसके अलावा माइक्रोफोन से हम आवाज़ देते हैं, स्कैनर से तस्वीर देते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप का डाटा है, कंप्यूटर उनके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस करता है और हमें वापसी पर कोई ना कोई आंसर देता है जो कि हमारी क्या कहलाती है, इन्फॉर्मेशन कहलाती है। सो डाटा दोनों जगह पर स्टोर होता है। मीन्स टू से अगर आपका डाटा परमानेंटली स्टोर है तो हार्ड डिस्क में होगा, ठीक है। जैसे कि हमारा प्रोग्राम का डाटा होता है, अगर सॉफ्टवेयर बनाया है तो सॉफ्टवेयर का जो डाटा होगा उसके अंदर तस्वीरें वगैरह, मेन्यूज, सो वो सारी क्या है, डाटा की ही एक तरह की चीज़ है अपनी। सो वो कहाँ से होती है, हार्ड डिस्क में। लेकिन जब हम उसको चला रहे होते हैं या उसको यूज़ कर रहे होते हैं तब वो कहाँ होती है, रैम में। अभी मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको पहले ही ये चीज़ समझा चुका हूँ हार्ड डिस्क और रैम क्या है, कब कौन सी चीज़ वर्क कर रही होती है, कब कौन सी चीज़ वर्क नहीं कर रही होती। बेसिकली हमारा मकसद अब आगे चीज़ों को समझना है। सो यहाँ पर आप डाटा की बात, यहाँ पर डाटा कई सारी टाइप्स हैं, ठीक है, जैसे कि ऑडियो डाटा, वीडियो डाटा, पिक्चर्स, टेक्स्ट डाटा वगैरह वगैरह। सो सबसे पहले ना हम बाकी सारी चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं, हम सिंपल टेक्स्ट डाटा की तरफ आते हैं। सो टेक्स्ट डाटा में ना 2-3 तरह की चीज़ें आप लिखते हैं। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे, कोई नंबर लिखेंगे, नंबर में आप या तो होल नंबर लिखते हैं या पॉइंट्स में नंबर लिखते हैं या कोई पावर फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। सो ये 3 से 4 तरीके हैं आप जो टेक्स्ट डाटा लिखते हैं उसकी। सो इसीलिए ना जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो तो उसके अंदर ना सबसे पहले तो हम इस चीज़ को जानने से पहले ना वेरिएबल की तरफ चलते हैं। सो डाटा की मैंने कई सारी टाइप्स बता दी, हम सिर्फ अब किसकी बात करेंगे, टेक्स्ट डाटा जो कि हम कीबोर्ड की मदद से देते हैं, अभी हम सिर्फ उसी की बात करेंगे। सो उसमें मैंने बता दिया न्यूमेरिक डाटा होता है हमारे पास, अल्फाबेट होते हैं, न्यूमेरिक में भी आगे होते हैं, पॉइंट में होते हैं या पावर में होते हैं या फिर होल नंबर होता है, ठीक है, इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर या इंटीजर्स। सो ये 2 या 3 तरह का हमारा न्यूमेरिक डाटा होता है। अब बात ये भी याद रखो, मैं ना आपको 3 बॉक्सेस देता हूँ, एक रेड है, इसमें ना मैंने 10 इसमें रखा हुआ, इसमें 15 और इसमें 20। अब मैं पूछता हूँ भाई 10 किस बॉक्स में है, आप इशारा करके नहीं बता सकते या आपको पता नहीं है, यहाँ पर 10-12 बॉक्स पड़े तो आप कह दोगे हाँ भाई वो वाला। सो काफ़ी ऑकवर्ड लगेगा, हाँ वो वाला, अब अगले को क्या पता कौन से वाला है। सो आप क्या करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई पहचान रख देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये रेड कलर का बॉक्स है, ये ब्लू है और ये येलो, तो मैं पूछूंगा 15 कहाँ है, तो आप कहेंगे ब्लू बॉक्स में, ठीक है। सेम इसी तरह से जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हमें अपना डाटा कहीं ना कहीं रखने की जरूरत पड़ती है। सो वो डाटा जब हमें रखना होता है तो उस जगह को रैम, मैंने पहले कहा था आप जो प्रोग्राम बनाते हैं ठीक है वो हार्ड डिस्क में आप सेव करते हैं, बट जब वो चलना होता है तो वो रैम में आ जाता है। सो आप जितना भी डाटा कलेक्ट करते हो, जितना भी डाटा लिखते हो, वो असल में रैम में रहना होता है उस टाइम पे जब वो चल रहा होता है। हम जब प्रोग्राम बनाते हैं वो चलने के लिए हाथ से बनाते हैं, जब वो चल रहा होता है वो रैम में होता है। सो जितना कुछ आप करेंगे वो रैम में आएगा। सो आपने ना डाटा रखना है, कोई 2 नंबर रहने पड़ेंगे, नंबर तो आप ले लेंगे पर आप उनको जब रखोगे तो कंप्यूटर को कैसे याद रहेगा हाँ भाई ये कहाँ पड़ा है। अब वहाँ पर भी तो आप ऐसे नहीं कह सकते उस जगह पड़ा है, तो हम क्या करते हैं जिस जगह पर रैम में हम डाटा रखते हैं उस जगह को हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं नाम दे देता हूँ रेड का। सो ये जो बॉक्स है अपना, ये रैम के अंदर एक पॉइंट, एक स्पेस है, 1 byte 2 byte 4 byte, वो बाद में डिस्कस करते हैं कितनी बाइट होगी, पर समझने के लिए क्या है अपना एक इस बॉक्स
24 KB और 1024 KB के अंदर हर KB में 1024 byte होते हैं। सो आप क्या 1 byte का एड्रेस याद रख सकते हैं? नहीं याद। रैम बहुत बड़ी होती है, 1 GB के अंदर कितने अरबों खरबों सेल्स होती हैं। सो हम उसका अपनी मर्जी से किसी भी एक सेल का नाम रख देते हैं और फिर उस सेल को उसी के नाम से बुलाते हैं, हमें भी याद रह जाता है उसका नाम और कंप्यूटर को भी उसको ढूंढने में आसानी हो जाती है। सो ये नाम रखने का तरीका होता है, इसे हम कहते हैं वेरिएबल बनाना। वेरिएबल की बाकी डिटेल आप CS201 में पढ़ चुके हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो वेरिएबल रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो वेरिएबल तो बनाना आ गया, अब बात वापस आ जाते हैं हमारे डाटा टाइप की तरफ, टेक्स्ट टाइप। ठीक है, ये डाटा टाइप होगी। सो अभी हम सिर्फ टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो भाई वेरिएबल तो बना लिए, अब एक बॉक्स है आप स्पेसिफिक, क्योंकि मेमोरी के अंदर रैम को या कंप्यूटर को यूज करते हो ना, हमें स्पेसिफिक रहना है। जितना आप कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे अभी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। ये नहीं होता कि हाँ भाई कुछ नहीं होता, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। आप इंग्लिश ग्रामर के अलावा भी आप बोलेंगे तो समझ तो आ जाती है, आपको पता है कोई गली में खड़ा हुआ बोल रहा हो समझ आ जाती है, बट वो टूटी फूटी होती है, प्योर मीनिंग नहीं पहुँचता। अब कंप्यूटर एक मशीन है तो उसको समझाने के लिए आपको वो चीज़ें गौर में रखनी होती है। तो जब आप कोई डाटा दे रहे होते हैं, अब कंप्यूटर को एक ही टाइम पे प्रोसेसर को 4 अलग अलग जगहों से डाटा आ सकता है, नंबर भी आ सकता है, वर्ड भी आ सकता है, साउंड भी आ सकता है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये डाटा मैंने कहाँ रखा है? तो उसके लिए ना आप सबसे पहले अपना जो वेरिएबल, वेरिएबल बनाना तो आ गया, इस बॉक्स का हमने नाम रेड रख दिया, ये वेरिएबल बन गया। पर रेड के अंदर किस तरह का डाटा रखा जा सकता है? आपने 3 टोकरियां रखी हुई हैं, ठीक है, आपने तो एक में रखनी है वेजिटेबल्स, एक में फ्रूट्स और एक में आप ड्राई फ्रूट्स रखेंगे। सो फिक्स कर दी ना चीज, अब प्रॉपरली तौर पर क्या है, आप इजीली तौर पर जज कर सकते हैं कि मुझे कहां से क्या चीज चाहिए। आप अलमारियां घर में नॉर्मली लेडीज वगैरह या हम कंप्यूटर में फोल्डर्स वगैरह बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? ताकि हमें अपनी चीज़ आसानी से मिल सके, वही डाटा उसके अंदर रखेंगे और उसके अलावा बाकी सारा अलग अलग होगा। सो इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर जब आप एक स्पेस बनाते हो किसी चीज़ पे, तो साथ ये भी बताते हो कि इसके अंदर कौन सा डाटा रखा जा सकता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये रेड कलर का जो बॉक्स जिस नेम से मैंने बनाया, इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स रख सकते हैं, तो हम बताएंगे भाई इसके अंदर अल्फ़ाबेट रखे जा सकते हैं। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कोड होता है जो वेरिएबल से पहले लगाते हैं। जैसे कि इसके अंदर हम लिखते थे C++ के अंदर CHAR होता है करेक्टर के लिए, यानी कि अगर आपने कोई एक करेक्टर जैसे ABCF कोई भी एक करेक्टर अगर स्टोर करना है तो उसके लिए आप अपना जो वेरिएबल से पहले उसका डाटा टाइप बताएंगे कि हाँ भाई ये रखना है। इधर अगर आपने एक इंटीजर के लिए, यहाँ पर मैंने नाम बना दिया इसका एक्स, कोई भी नाम रख सकते हैं, लाजमी तो नहीं रेड ये एक्स भी रख दिया। अब मैं कहता हूँ कि एक्स के अंदर किस तरह का डाटा स्टोर होता है, भाई नंबर स्टोर हो सकता है, नंबर किस तरह का स्टोर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, तो मैं लिख दूंगा इंट एक्स। तो क्या होगा कि इसके अंदर सिर्फ इंटीजर डाटा स्टोर होगा और कोई डाटा स्टोर नहीं होगा। अगर आप कहेंगे तो कंप्यूटर एरर दे देगा, क्योंकि आपने फिक्स कर दिया मेरे इसके अंदर इंटीजर। आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, आपने देखा होगा नॉर्मली जब एज पूछी जाती है वेबसाइट के ऊपर, तो आप अगर अल्फाबेट लिखें तो क्या वो स्टोर करता है? नहीं स्टोर करता। क्यों? क्योंकि जब अल्फाबेट जो एज बनाने वाला बंदा होता है जिसने वो बनाया होता फॉर्म वगैरह, वो क्या करता है कि वहाँ पर फिक्स कर देता है कि इस डाटा टाइप में सिर्फ और सिर्फ नंबर ऐड हो सकता है। तो वही होता है, अगर आप नंबर ऐड नहीं करते तो वो कहते हैं दोबारा ऐड करें, आपने गलत ऐड किया। सो ये चीज़ें होती है जिसकी वजह से हमें स्पेसिफिक करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप फिक्स कर रहे हैं इंटीजर, तो आप इंटीजर स्टोर होगा। इधर अगर आपको कोई फ्लोट पॉइंट स्टोर करना है तो आप उसके लिए भी अलग से साथ बताएंगे, हाँ भाई ये जो स्पेस मैं बना रहा हूँ यानी ये जो वेरिएबल मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, इसके अंदर इस तरह का डाटा रखा जा सकता है। तो ये डाटा टाइप होती है। अब डाटा टाइप क्या होती है कि एक खास किस्म के डाटा टाइप के लिए खास स्पेस चाहिए होती है मेमोरी के अंदर। फॉर एग्जांपल एक इंटीजर के लिए, यानी अगर आपने नंबर सो सेव करना है कंप्यूटर में, तो उसके लिए 4 byte की जरूरत होती है। कितनी जरूरत होती है? 4 byte, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम अगर एक साइड को 1 byte कहते हैं तो ये 4 byte है। C++ के इंटीजर के लिए 4 byte यूज होगी। कोई भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल 1,50,000, 70,000, 80,000, कोई नंबर आपने स्टोर करना होगा तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इंटीजर जब इंटीजर लिखते हैं INT तो उसके लिए 4 byte फिक्स हो जाती है, ठीक है, इन 4 byte में वो डाटा स्टोर होता है। इसी तरह से अगर आपको कोई कैरेक्टर लिखते हैं तो उसके लिए 1 byte होती है। सो ये हमारा जो प्रोग्राम होता है फिक्स होता है। अगर आप उसमें 4 byte से ज़्यादा डाटा स्टोर करना चाहोगे इंटीजर के अंदर तो नहीं होगा। सो डिफिकल्ट थिंग कि 4 byte से बड़ा डाटा भी होता है, तो उसके लिए और ऑप्शन होते हैं C++ और लैंग्वेजेस में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आगे बात आती है जी, हमारा डाटा टाइप हो गई, डाटा समझा दिया मैंने आपको, टेक्स्ट डाटा की तरफ भी हम बात कर रहे हैं, वेरिएबल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी समझ लिया कि भाई हाँ इंटीजर 4 byte, जब आप इंटीजर लिखते हो इंटीजर एक्स,
उसका मतलब ये है कि चार बाइट को एक्स के नाम से मुख्तस कर दोगे, इनके अंदर और कोई चीज स्टोर नहीं हो सकती। तो जैसे आप प्रोग्राम चलाओगे कंप्यूटर की रैम के अंदर चार बाइट के ऊपर जाकर यूं करके समझ लो फॉर एग्जाम्पल यूं करके जाकर ना एक बॉक्स बन जाएगा और उसका नाम रख दिया जाएगा एक्स। तो जब भी आप एक्स कॉल करोगे इन चार बाइट के अंदर जो डाटा पड़ोगा आपको मिल जाएगा। ये जब आप इस एक्स में कुछ रखोगे तो इन्हीं चार डाटा में चार बाइट में आकर डाटा रख दिया जाएगा। बात यहाँ पर होगी क्लियर। अब बात आगे चलते हैं, हम तो बात कर रहे थे इंटीजर्स और पॉइंटर्स की, पॉइंटर्स इंटीजर्स सॉरी इंटीजर्स पॉइंटर कह रहा हूँ, अरेज और पॉइंटर्स की। अरेज की क्या जरूरत है? मैं कहता हूँ कि मैंने एक पूरी क्लास का ना मतलब नाम लिखने हैं, एक लिस्ट बनानी है पूरी क्लास के नेम्स की, प्रोग्राम बनाना। आप लोग C++201 करके आए तो आप इतने सारे प्रोग्राम बना सकते हो अपनी डेली लाइफ को आसान करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ टीचर होंगे, क्या अपनी रिजल्ट बनाना है, बच्चों के नाम लिखने हैं, बच्चों की परसेंटेज निकालनी है, दो मिनट का काम है। C++ का ऐप खोले अपने मोबाइल में, प्रोग्राम लिखे, हाँ भाई उनसे बच्चे के नंबर पूछे और उसके बाद उनकी कैलकुलेशन करके उसकी परसेंटेज की ये वो बता दे। 10 मिनट में आप प्रोग्राम लिखेंगे, उसके बाद बस नंबर देते जाएँ, आपको वो रिजल्ट देता जाएगा। इजी मेथड है अपने कामों को आसान करने के लिए। प्रोग्रामिंग क्लास नहीं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही करता है, आप अपने लिए कर सकते हैं। सो बात हो रही थी अरेज की, तो अरेज मैंने कहा है कि कई सारे बच्चे आपके क्लास में 40 बच्चा है, आपने उनकी लिस्ट बना ली। अब लिस्ट बनाने के लिए क्या आप 40 नाम लिखेंगे? ये 40 क्योंकि एक वेरिएबल के अंदर एक ही डाटा स्टोर हो सकता है, तो क्या 40 बच्चों के लिए 40 वेरिएबल के नाम लिखेंगे? और 40 वेरिएबल के नाम याद रखना भी मुश्किल है, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर हमें जरूरत पड़ती है अरेज की। जब आपने काफी सारे एक टाइप का डाटा रखना हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर्स रखने हैं, 10 नंबर्स रखने हैं सेव करके, सो क्या मैं 10 वेरिएबल बनाऊंगा? नो, मैं क्या करूंगा कि एक अरे बनाऊंगा। अरे होती है वेरिएबल्स का मजमूआ। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, चार फॉर एग्जाम्पल ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 इंटीजर के लिए यानी कि 5 4 बाइट की स्पेसेस हैं। सो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा एक अरे बना लूं, 5 इंटीजर इसमें सेव हो सकते हैं, तो मुझे इसका नाम नहीं याद रखना पड़ेगा हर इंटीजर का। मैं क्या कहूंगा, मैं इस पूरे के पूरे जो बॉक्स है ये वाला ये इतना, इसको नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डेट का दे देता हूँ। मैं नाम इस तरह दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ी जल्दी समझ लें। मैं इस पूरे बॉक्स को नाम दे देता हूँ डेट का। अब इस डेट के बॉक्स को अंदर कितने बाइट कितने इंटीजर स्टोर होते हैं? मैंने कहा जी ये जो डेट का अरे ये क्या बन गई, अरे। ये डेट वाली जो अरे है ये किस टाइप की होगी? यहाँ अरे के साथ भी आप बताओगे, क्योंकि अरे एक टाइप का डाटा रख सकती है, या वो इंटीजर रखेगी या करेक्टर या फ्लोट पॉइंट या इस तरह कोई एक। सो हम बताएंगे हाँ भाई ये डेट टाइप की हम अरे बना रहे हैं और इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप का डाटा रखेंगे, तो उसे पता लग जाएगा कि हर इंटीजर के लिए 4 बाइट्स चाहिए। तो आप याद रखोगे 5 इंटीजर यानी कि अरे का साइज क्या हो, 5 हो, तो 5 होता 20 बाइट वो ले लेगा और उसका नाम उन 20 के 20 बाइट से नाम रख देगा डेट। अब हर उन 20 बाइट्स में वो हर 4 बाइट के ऊपर एक छोटा सा बॉक्स बना लेगा, यहाँ पर भी एक बॉक्स बनाएगा अपना, यहाँ पर भी अपना बॉक्स बनाएगा, यहाँ पर भी, और हर एक को एक नाम दे देगा। इसको नाम देगा डेट 0, इसको डेट 1, ये उनके नाम है ना, जैसे एक गली है Street number 5, house number 1, street number 5, house number 2, street number 5, house number 3। सो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या करेगा, डेट 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 डेट, अरे एक है पर उसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से क्या होगा कि आपको 5 वेरिएबल नहीं बनाने पड़ेंगे बल्कि एक अरे बनाकर उसके अंदर 5 इंटीजर्स आप सेव कर सकते हैं। सो ये हमारा यूज ऑफ अरे होता है कि जब आपने बहुत ज़्यादा एक तरह का डाटा सेव करना हो तो आप एक सिंपल अरे बनाते हैं। कितनी लेंथ की अरे है वो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो हम आगे अरे की टाइप भी पड़ी थी, डायनामिक अरे और स्टैटिक अरे, ठीक है। सो वो ज़्यादा डिटेल डिस्कशन है, मेन था कि अरे क्या होती है। सेम टाइप आप इंटीजर है, एक वेरिएबल है, 4 बाइट का डाटा, आपने 10 12 नंबर रखने हैं, 10 12 नेम सेव करने हैं, तो क्या आप 10 12 वेरिएबल बनाएंगे? नो। तो वहाँ पर हमें क्या होता है, हम एक अरे बना लेते हैं और अरे को बनाने के बाद उसके अंदर जितने भी इंटीजर आपने रखने हैं उतनी साइज की अरे बना रहे हैं, 10 इंटीजर रखने तो 10 की अरे। सो उसमें हर इंटीजर के लिए एक नंबर होगा, पहले के लिए 1 0 1 2 3, नेम वही होगा जो अरे का नेम होगा। तो भाई पॉइंटर का यहाँ पर क्या काम आ गया, पॉइंटर के बारे में सोचने की बात है। लास्ट लेक्चर में याद करें मैंने आपको बताया था कि ना भाई रैम के अंदर हर सेल का एक एड्रेस होता है, ठीक है। बात बात ये होता है कि हमने ना सेल का नेम से अलावा ना हमें बहुत सी जरूरियात पड़ती है प्रोग्रामिंग में जो कि बहुत डिटेल्ड चीज़ें होती हैं, हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पॉइंटर बताना चाह रहे हैं पॉइंटर क्या है। सो पॉइंटर दरअसल एक जगह पर खड़े होता है
बंदा खड़ा कहते हैं हाँ भाई उस जगह वो डाटा पड़ा है, वो पॉइंट करके आपको बताएगा कि वहाँ पड़ा है। सो अरेज तो सिंपल है, पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स बताते हैं कि भाई उस जगह से डाटा पड़ा है, हम वहाँ से जाकर डाटा पढ़ लेते हैं। तो प्रोग्राम के अंदर अगर आपने कहीं पर बताना होगा भाई डाटा कहाँ पड़ा है, ये डाटा कहाँ से हमें शुरू करना लेना, तो आप क्या करेंगे कि आप पॉइंटर यूज करके बताएंगे कि उस अरे में ना वहाँ पर डाटा शुरू हो रहा है। अरे कंटिन्यू होती है, यानी कि ये नहीं कि रैम अगर बिजी पड़ी है, रैम में नहीं पड़ा तो जी पहले 10 बाइट वो कहीं और से ले लेगा, अगले 10 बाइट थोड़ा छोड़ के, नहीं रैम कंटिन्यू, यदि कंटिन्यूसली उसने रखे हुए इसको भी आप भूल जाए, कंटिन्यूसली उसने ये बाइट रखे हुए, इसी तरह से वो रैम के अंदर भी कंटिन्यूसली रखता है, ये नहीं कि छोड़ छोड़ के। अरे जब भी बनाएंगे वो कंटिन्यू होगी, एक के बाद दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी, पांच बार पांच इंटीजर है तो इकट्ठे आएंगे। सो आपके फर्स्ट इंटीजर का एड्रेस बताओगे तो अगले पांच है खुद ब खुद उसको पता लग जाएगा। सो पॉइंटर इज जस्ट कि वो डिनोट करता है कि आपकी किसी भी डाटा की जो एड्रेस है वो, ठीक है, उसके बाद एड्रेस होता है वो बताते हैं हाँ भाई इस एड्रेस पे चले जाओ वहाँ पर वो डाटा पड़ा है। सो ये हमें प्रोग्रामिंग में जरूरत पड़ती है पॉइंटर्स की, डाटा को डिनोट करने के लिए कहाँ पर डाटा पड़ा है और वो वहाँ से पढ़ना शुरू करता है। CS301 वालों के लिए फर्स्ट 2 से 3 लेक्चर इसी बेस पर चल रहे हैं, अरेज और पॉइंटर्स को आगे लेकर एक नए कॉन्सेप्ट की तरह। इस चीज़ को अच्छे से समझें, जिसका कोई क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में पूछे, आप हमारे नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं, इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से करें। लाजमी नहीं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ही जरूरत पड़ती है, आप अपने डेली लाइफ को आसान करने के लिए, हम वर्कर्स हैं बड़े, डेली काम होते हैं 100 किस्म के, हम तो तेज कर सकते हैं। एक अकलमंद इंसान की खूबी होती है कि वो जो सीखता है उसको इस्तेमाल करता है, नंबर्स आ जाते हैं, मार्क्स कोई बात नहीं होती, 10, 12, 15, 20 मार्क्स के लिए हम इतना साल पढ़े तो बचपन ही है, फाइल उठाएँ याद करें, कॉन्सेप्ट ले रहे हैं ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। आप प्रोग्रामिंग को डेली मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप कर सकते हैं यूज, अपने स्कूल का काम जल्दी से करवाने के लिए कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशन है बड़ी, रोज़ का डाटा, कोई अकाउंटेंट है उसको रोज़ क्या करनी पड़ती है भाई, खपना पड़ता है, बुक उठाई हर एक चीज़ लिखी और याद की, फिर बार बार कीबोर्ड, समझ नहीं आते एक्सपेंसिस कितने हैं, सब कुछ याद करना पड़ता है। सो आप क्या कर सकते हैं कि ना लिस्ट बनाए, प्रोग्राम लिखे, प्रोग्राम के अंदर बताएं भाई हाँ हाँ ये मेरे ये थे, फिर वो कहेगा हाँ एक्सपेंसिस बताओ, प्लस माइनस करके सारा कुछ आपको हिसाब दे देगा, लिखा और ध्यान छोड़ो, इजी, 2 मिनट के लिए, एक दिन 10-15 मिनट लगेंगे सॉफ्टवेयर बनाने में। हम सोचते हैं कि एक चीज़ हमारे काम तभी आएगी जब हम उस फील्ड में जाएं, अच्छे से समझे, चीज़ें जितनी आती हों उतना फ़ायदेमंद होता है। जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है कमेंट सेक्शन में बताएं।